किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा 2024 तक गांव में रहने वाले गरीब तबके के लोगों के पास अपना खुद का मकान होगा, जिसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है। देश में जो स्वच्छ भारत का अभियान संकल्प गांधी जी ने आजादी से पहले लिया था, उसे प्रधानमंत्री मोदी आजाद भारत होने के बाद सही मायनों में अब साकार कर रहे हैं। गाँव और गरीब किसान का जो सपना है वह अब मूर्त रूप ले रहा है। किसान नेता पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, देश में कई वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया, गांव गरीब और किसान का वही रहा। भ्रष्टाचार की गंगा पूरे देश में बह रही थी, वह 2014 में मोदी सरकार बनते ही जो नकेल डालने का काम मोदी सरकार ने किया है वह अपने आप में एक मिसाल बन रहा है। पटेल ने कहा, 15 माह में मध्य प्रदेश में कलंकनाथ का राज रहा, मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु हो गया, मंत्रालय दलालों का अड्डा बना रहा। प्रदेश में 28 सीटों का उपचुनाव प्रदेश को एक नई दिशा देगा, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी 28 की 28 सीटों पर विजयी होंगे। वो कलंक मिटाया नरेंद्र मोदी जी ने, घर घर सोचा ये कानून में कितने रास्ते आने की, एक अपनी तरफ से एक ही रास्ता है। दोनों साइड पहले भूखंडी रहती थी, रहती थी गांव में, यही बोलते थे हम तो कहाँ जा रहे हैं, पूरा पानी होगा भूखंडी में, है ना। कोई गांव में मरा था तो एक ही रास्ता है, गांव के बाहर खड़ी रहना पड़ता, गाड़ियां इंतजार करती जब तक इधर से निमंत्रण नहीं जाए कि भैया आ जाओ, तब तक वही 1 घंटा 2 घंटे वो बेचारे नाक बंद करके खड़े रहते थे। पहले कोई गाड़ियां तो थी नहीं, कांच बंद कर ले, छकड़ी से आते थे, बाड़े से आते थे, तो नाक बंद करके खड़े रहना पड़ता था, कितनी गंदगी थी।